हेलो आई एम श्याम, आई एम ए शॉर्ट फिल्म मेकर। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, हमारा एक चैनल है खुद की। मुझे एक वर्कशॉप के बारे में पता चला है मीटअप एप्लीकेशन के थ्रू, प्रोग्राम सेलवन करके नाम है उनका। तो उनके मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया ना, उनके थ्रू पता चला कि वर्कशॉप्स वगैरह कंटेक्ट करते हैं फिल्म मेकिंग पे, तो मैं जाके ज्वाइन किया। सो जब ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इट्स नॉट अबाउट द गैजेट दैट यूज टू शूट, इट्स अबाउट हाउ यू शूट। एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर मुझे इस वर्कशॉप से काफ़ी कुछ सीखने मिला, और काफ़ी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कैमरा एंगल के, कैमरा के, जो मतलब यूजुअली हम मूवी देखते टाइम मिस कर देते, लेकिन मुझे यहाँ पे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखने मिला और मुझे बताया गया, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब ये वर्कशॉप जो है। एवरीवन, माय नेम इज सुब्रमण्य नारायण स्वामी एंड आई एम एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर। सो आई एम एन इंजीनियर, लाइक मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स हियर आर लाइक इंजीनियर्स और इन टू सम कॉर्पोरेट जॉब्स। मैंने अभी तक दो वर्कशॉप्स अटेंड किए, एक मैंने एंगल्स का सीखा वहाँ पे और एक लाइट्स का वर्कशॉप था। यहाँ पे वर्कशॉप्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चले कि देर आर मल्टीपल एंगल्स, ऑलमोस्ट 30-40 एंगल्स है जो हमें सीखना पड़ता है एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर बनने के लिए। यही नहीं, फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइट्स। लाइटिंग सेशन में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था, जो कि सैम और प्रभु के गाइडेंस में मुझे सीखने मिला। जैसे वेक्टर स्कोप और वाइट बैलेंस के रिगार्डिंग मुझे मतलब उतना नॉलेज नहीं था, और 1.2 के रिगार्डिंग मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया मुझे। प्रॉपर लाइट्स, प्रॉपर शैडो, प्रॉपर एक्सपोजर, जब ये सब प्रॉपरली होता है तब जाकर एक सक्सेसफुल फिल्म बनता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ शैडो, कि शैडो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट का, और प्रॉप्स के शैडोज, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे मतलब यहाँ पे बताया गया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। दिस प्लेस इज अ बेस्ट प्लेस टू बी विथ, टू हैंग आउट। होप करता हूँ कि उनके साथ रहकर मैं फिल्म मेकिंग को और अच्छी तरह सीख लूँगा और बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर भी बन जाऊँ।